नमस्कार, आप देख रहे हैं द लोकमंच। आपके साथ मैं हूं निहारिका शाहदेव। आज के वर्चुअल चर्चा शो में हमारे साथ मौजूद हैं हाजी इरफान सोलंकी, जो कि समाजवादी पार्टी के विधायक हैं। इसके साथ ही अखिलेश यादव जी के काफी करीबी हैं। इरफान सोलंकी की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश के कानपुर के सीमाओं विधानसभा सीट से समाजवादी पार्टी के विधायक रहे हैं। इरफान सोलंकी साल 2007 में विधानसभा चुनाव में पहली बार सीमाओं से विधायक निर्वाचित हुए। साल 2007 से 2012 तक लोक लेखा समिति के सदस्य भी रहे। इसी बीच 2008 से 2012 तक प्रदेश के स्थानीय निकायों के लेखा परीक्षा प्रतिवेदना की जांच संबंधी समिति के भी सदस्य रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी बोले मेरी बहन। सर, आपका द लोकमंच न्यूज में बहुत बहुत स्वागत है। सबसे जी पहले तो आज अखिलेश यादव जी का जन्मदिन है, तो क्या माहौल है और किस तरीके से उनका जन्मदिन आप लोग मना रहे हैं? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और हम सब लोग, अगर आप देखें तो हमारे पीछे यहाँ पे सभी कम्युनिटी के लोग हैं, क्योंकि हम समाजवादी पार्टी के लोग हैं, जहाँ हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, अगली जात, पिछली जात सब एक है और सब समाज को जोड़ने का काम करती है, ना कि किसी विशेष पार्टी की तरह समाज को तोड़ने का काम करती है। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी, जो युवा हृदय सम्राट भी हैं और लोगों को जोड़ने का काम करते हैं, हम सब के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। उनका एक ही मानना है कि समाज में, चाहे वो अगला आदमी हो या सबसे पीछे खड़ा इंसान हो, हर समाज के लोगों को उतना ही सम्मान मिलना चाहिए जो सम्मान आप अपने परिवार के लोगों को देते हैं। जैसे आप हैं, आप मेरी छोटी बहन हैं, आप घर जाते हैं, अपने पिता, अपने भाइयों को सम्मान देते हैं, तो वही सम्मान हमारा फर्ज है कि हम अपने आपके जो स्टूडियो में, चाहे वो वॉचमैन हो या आपको पानी पिलाने वाला आपका क्लर्क हो, आप उसको भी वही सम्मान दे। तो यही हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का उद्देश्य है। समाज को जोड़ने का काम करते हैं, ना कि समाज को तोड़ने का काम करते हैं। जी सर, कल के मोदी जी के संबोधन में उन्होंने कहा कि 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन की देने की बात कही है, इसे आप कैसे देखते हैं? भाई, जिस विधानसभा से मैं विधायक हूँ, तो मुझे नहीं लगता कि मेरी विधानसभा में आधे लोगों को राशन मिला हो। आज चंद लोगों को मिल गया हो, पर चंद लोगों की परसेंटेज इतनी नहीं है कि आप उसको परसेंटेज में जोड़े। 100 में एक की गिनती नहीं होती है। चलिए और बताए मेरी बहन। और अभी मोदी जी ने तारीफ की थी कि अमेरिका और यूरोप के देशों से सबसे बेटर यूपी के परफॉर्मेंस हो रहे हैं, इससे आप कितने सहमत हैं? अब आप मेरी बहन हैं, आपके पास ज्यादा ज्ञान है, आप पे लोग भरोसा भी करते हैं, आप ही सर्वे करके बता दें कि मोदी जी सच करें या गलत करें। क्योंकि हम तो विपक्ष के आदमी, हम तो हमेशा यही कहेंगे वो गलत कर रहे हैं। भाई, हम तो ऑन रिकॉर्ड बात करेंगे कि उनका सर्वे इसलिए बता रहा है कि वो जांच ही नहीं कर रहे हैं। भाई, जहाँ जांच होगी जभी तो पता चलेगा कितने बीमार है, कितने नहीं बीमार है। आज अमरीका में, यूरोप में, वहाँ हर आदमी की जाँच हो रही है, तो इसलिए पता चल रहा है कि कौन बीमार है और कौन नहीं बीमार है। यदि जांच ही नहीं होगी तो पता कैसे चलेगा कितने बीमार है, कितने नहीं बीमार है। अब जैसे मान लीजिए हमने आपके साथ कोई बदतमीजी करी, जब आप उसकी रिपोर्ट दर्ज कराएंगी जब ही तो कंप्लेन होगी जी। और जब आपकी रिपोर्ट दर्ज ही नहीं कराई जाएगी तो फिर काहे की शिकायत, काहे का क्राइम? तो आपका लगता है कि अभी भी यूपी के परफॉर्मेंस में कमी है? देखिए, यूपी नहीं, मैं तो पूरे भारत की बात कर रहा हूँ। मोदी जी और योगी जी चाहें, क्योंकि हमारा हिंदुस्तान है, हमारा हिंदुस्तान है, हाथ से हिंदू, मां से मुसलमान, हम सब ने मिलकर हिंदुस्तान के लिए बहुत सारी कुर्बानी दी है। किसी के बाप की जागे नहीं है हिंदुस्तान। हिंदुस्तान उतना ही हमारा है जितना बहन आपका है, यहाँ पे बैठे लोगों का है। तो हमारी भी सुरक्षा की जिम्मेदारी उन्हीं की है। वो देश के प्रधानमंत्री हैं, देश में रहने वाले हर नागरिक की जिम्मेदारी हिंदुस्तान को बहुत अच्छा करें और बहुत सुरक्षित करें। जी, वहीं पे अब जीडीपी की बात सामने आती है सर। योगी जी ने कहा कि 1 करोड़ लोगों को रोजगार देना है, इसका वादा किया है। अब इस पे आप क्या कहेंगे, कि सिर्फ वादे रह जाते हैं या कुछ काम हो भी रहा है? अब मेरी बहन, मैंने अभी कल परसों में एक जोक, हो सकता है जोक की तरह आप भी लीजिएगा, जीडीपी का मतलब दिया था गैस, डीजल, पेट्रोल। जिस तरह से उन्होंने दाम बढ़ाए हैं उसी तरह से जीडीपी उनके हिसाब से बढ़ी है।
अब वो तो आप भी तो माशाल्लाह एक नौजवान हैं, आपके पास क्या कारोबार है? आपके खानदान, आपके मिलने वालों में कितने लोगों को कारोबार मिल गया? आप सवाल करते हैं, एक बहुत अच्छी सी बात है, और हो सकता है आपको समझ में आए। आप हमसे उम्र में छोटी है, मेरी छोटी बहन की तरह है। वो जो आईना होता है ना, आईना आईना समझती हैं आप? जी तो आईना जब भी हाथ में उठाया करो, पहले खुद देखा करो फिर दिखाया करो। उसमें आईना जब हम देखते हैं तो फिर हमारे चेहरे पे कहाँ पे दाग लगा है, कहाँ पे अच्छे हैं, तो खुद हम दूसरे को बदसूरत कहने से पहले खुद भी देख लें। तो आप खुद इस बात का फैसला करिए ना कि आपके खानदान में, रिश्तेदारों में, दोस्त अहबाब में कितने लोगों को नौकरी मिल गई है। यदि मिल गई है तो वो नौकरी दे रहे हैं, और यदि नहीं मिली है तो वो झूठ बोल रहे हैं, और वो आपसे झूठ बोल रहे हैं। सर, ये तो हमसे नहीं कहा जाता है, किसान वर्ग और जो पिछड़े वर्ग के लोगों हैं, लोग अरे हैं, तो जैसे मेरी मान लीजिए। मेरी 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 बहन, आप अग्रे वर्ग के हैं क्या? आप बहुत ऊंची बिरादरी से हैं क्या? आपके खानदान में, रिश्तेदार में कोई किसान नहीं है? मान लीजिए आपके खानदान में 500 लोग हैं, तो क्या पूरे 500 लोग अरबपति हैं, लखपति हैं? कुछ तो ऐसे होंगे जो ठेला चलाते हैं, रिश्ता चलाते हैं। मेरे खानदान में भी है, मेरी सगी बुआ के लड़के रिश्ता चलाते हैं, तो वो तो गरीब है, और उनका एक भाई विधायक है, तो उससे क्या लेना देना? तो अगर नौकरी मेरे छोटे भाई को नहीं मिली है तो इसका मतलब नौकरी नहीं मिल रही किसी को, और यदि मिली तो आप बताइए कि ये लोगों को नौकरी मिल गई है। जी, अभी थोड़ा मुद्दा हटके है सर, पूरे देश में नेपोटिज्म की हवा चल रही है अभी। अगर हम राजनीति के तौर पर देखें तो राजनीति में नेपोटिज्म का क्या अस्तित्व है आज के समय में? क्या राजनीति में भी नेपोटिज्म चल रही है? बहन देखिए, ऐसा है कि एक बहुत पुरानी सी कहावत है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। ये कहावत तो सुनी होगी बहन आपने, नहीं सुनी? जी। तो ये तो बरसों से होता चला आया है, और हमेशा बड़ी मछली ने छोटी मछली को खाया है। और सच, एक कहावत जो हमने अपने बड़ों से सुनी है कि सच परेशान हो सकता है पर पराजित नहीं, अंत में सच की ही जीत होती है। ये जो भी कर लें, जो हमारी जनता है वो एक बार तो आंखें मीच ली है, बार बार आंखें नहीं मीचेगी। वो एक कहावत है ना, उल्लू सीधा हो गया, तो मोदी जी का और योगी जी का उल्लू को सीधा हो गया एक बार, पर जनता उनको बार बार मौका नहीं देगी। उल्लू एक ही बार सीधा होता है, दोबारा सीधा नहीं होता। सर, 2022 में आपकी सरकार किन किन मुद्दों को लेकर चुनाव पर फोकस करने वाली है? क्या क्या मुद्दे रहेंगे 2022 के चुनाव में को लेकर? ये तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी तय करेंगे, और बहुत से मुद्दे तो समय पर तय होते हैं बहन। अब जैसे मान लीजिए आप पत्रकारिता कर रही हैं, तो अभी का मुद्दा कुछ और है, आने वाले समय में मुद्दे और कुछ और होंगे, तो समय बताएगा। अगर एक आखिरी क्वेश्चन सर आपसे कर रही हूँ मैं, कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग जो अभी लगातार चल रही है इन दिनों, अगर उससे अच्छा होता कि आपातकालीन संसदीय बैठक बुलाने से ज्यादा अच्छा अगर होता कि अगर आपकी पार्टी के लोगों को भी वहां पर बुलाया जाता, अगर आप हाँ, अपना पक्ष रख पाते, तो फिर मिलकर एक होती जो करते मोदी जी ने कहा है, हर बार कहा है कि हर सब कोई एक साथ मिलकर काम करना है, देश का विकास करना है, तो इस पर आप क्या कहते हैं? यही मोदी जी का नारा था, बीजेपी सरकार का भी नारा यही था, पर इसमें कितने लोगों का साथ लिया, ये तो तानाशाही चल रही है, और तानाशाही ज्यादा दिन चलती नहीं मेरी बहन। हर तानाशाह को एक दिन कुर्सी से उतरना पड़ता है, और कोई भी हो। अब यही बीजेपी के एक महान नेता स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी, जिनका हम सब सम्मान करते हैं, आज भी आप हो, हम हो, यहाँ बैठे तमाम लोग उनको आदर से नाम लेते हैं, आदरणीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी। क्या इनके उतरने के बाद, यानी कुर्सी से उतरने के बाद, क्या इनका भी नाम उसी तरह लिया जाएगा या नहीं, ये समय तय करेगा। सर, और मतलब अभी अगर आप थोड़ा सा बता दें हमें कि आप आगे अभी जो मुद्दे चल रहे हैं, आप लोगों को जो सवाल आप खड़े कर रहे हैं कि अभी के जो पार्टी में या सरकार में नहीं हो पा रहा है, आप इन मुद्दों को भी लेकर आएंगे अगले चुनाव में? मैंने कहा तो मुद्दे हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी तय करेंगे, क्योंकि एजेंडा वही तैयार करते हैं। लोकल मुद्दे अलग होते हैं और प्रदेश के मुद्दे अलग होते हैं।
तो उनसे भी बातचीत आपकी तो जरूर होती है क्योंकि आप काफी करीबी हैं बिल्कुल उनके, होती है। तो वो हम ही से नहीं, पूरे प्रदेश में जितने विधायक हैं, जितने हमारे पद अधिकारी हैं, सबसे बात करते हैं, क्योंकि जो हमारा चुनाव एजेंडा बनता है उसमें शहर बाय शहर समस्याओं को लेते हुए बनाते हैं। और वैसे युवाओं के लिए, चाहे हमारी बहनें हों, चाहे हमारे नौजवान बच्चे हों, सबके लिए अलग अलग बेरोजगारी भत्ता हो, लैपटॉप हो, हर चीज हमने दिया, आगे भी हम देंगे। अभी के हालात पे अखिलेश जी का क्या क्या मानना है, क्या सोच रहे अब हैं आगे देखिए, के लिए? जैसे आज अखिलेश जी का जन्मदिन था, आज आपने हमें फोन मिलाया, तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हम लोगों के लिए क्या आदेश दिया? आदेश ये दिया कि केक, मिठाइयां, ये सब बनाओ का तो ठीक है, पर साथ में गरीबों के वहां जाके राशन बांटो। यानी गरीब, केक तो ठीक है भाई, 100 रुपए का केक लिया आपने, छोटा सा आया, और ये 100 रुपए का अगर राशन किसी को देंगे तो कम से कम वो एक टाइम खाना खा लेगा। जी तो ये अच्छी सोच है हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी की, और हम सभी लोग उनकी इसी सोच से जुड़े हुए हैं, और यही उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला उनको बहुत लंबी उम्र दे। और हमारे जैसे बहुत से नौजवान हैं जो अभी भी उनके साथ काम करना चाहते हैं, उनके साथ चल के देश को आगे बढ़ाना चाहते हैं। सर, आखिरी सवाल कि आज के नौजवानों को आप क्या संदेश देना चाहेंगे? बहन, मैं तो यही कहना चाहता हूं कि तरक्की जो है आसानी से नहीं मिलती, तरक्की के लिए आप सबको कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, और उसी मेहनत के चलते हुए आपको कामयाबी कदम चुमेगी। वो एक बहुत अच्छी सी कहावत है कि तूफानों से डर के नौका कभी पार नहीं होती, समझ रही बहन? तूफानों से डर के नौका कभी पार नहीं होती है, नौका पार करने के लिए आपको तूफानों में उतरना ही पड़ेगा। ठीक मेरी बहन? जी भैया, चलिए, थैंक यू सो मच। इसी तरह के शो से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द लोकमंच, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही है तो लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।